लिंग होता ना, उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाई वाले ले सकते नहीं ले सकते, तो निषेध किया नहीं लेना चाहिए। और फिर दूसरा प्रश्न और पूछा, और प्रश्न अपने जो रामधाम सिंथल बीकानेर पूछे है क्षमाराम जी महाराज, मतलब प्रश्न किसी और का था लेकिन पूछा आपने कि भाई इतने साल हो गए हम लोगों को सत्संग करते हुए, पर ये काम क्रोध लोभ ये मिटेगी तो क्या करना चाहिए। महाराज जी बोले भाई रोना चाहिए, और वास्तव देखा जाए और कई कई लोग ऐसा विचार करते हैं महाराज इतना साल हो गया है कोई स्वभाव सुधरा तो नहीं, वही के वही है, वही गुस्सा करता, वही लोभ करना, और वही नियत अनुचित रखना, ये क्या है सब। तो सार बात यही है कि अपने सच्चे हृदय से अगर भगवान से प्रार्थना करें तो हमारा जीवन सुधार हो सकता है। कितना सी बड़ी बात बात है, रोड़ा अच्छा। और वास्तव देखा जाए जो किसी का नहीं है, वो जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनते हैं। अभी अपने गीता का पाठ किया 13वां अध्याय का 13वां श्लोक, सर्वतः सुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्। तो भगवान के कान सब जगह है, सर्वतः सुति मल्लोके, सर्वतः माना सब जगह, सुति माना कान, मल्लोके तो भगवान के कान सब जगह, भगवान सबकी सुनते हैं। कोई कबीर जी का भजन आता ना, मुल ना हो कर बांग मचावे क्या तेरा साहिब बहरा है, अरे कीड़ी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है, अरे कर गुजरान गरीबी मगर रोल किस पर करता है। तो सार बात है, और वास्तव देखा जाए रोना चाहिए, अगर आदमी भगवान का क्या रोए तो वही सुधार, और कोई उपाय नहीं। कई लोग चाहते हुए भी स्वभाव में सुधार पाते हैं, कई लोग चाहते हुए भी मिटा नहीं पाते, कई लोग चाहते हुए भी जैसा होना चाहिए वैसा कर नहीं पाते। इसलिए संतों ने कहा कि अपने को भगवान का क्या रोना चाहिए। अगर दुनिया का अगर रोएंगे दुनिया तो हंसी मजाक हवा उड़ाएगी, क्योंकि सच्ची प्रार्थना करें तो भगवान के पास पहुंच